सर हमने पहले भी स्टार्ट कर दिया था कि नए जो 3 लॉ जो है वो आज से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं और जो पुराने लॉ थे वो रिपील हुए हैं, तो उसी सिलसिले में आज दुमाना थाने में एडी सर स्पेशली आए हैं, तो इसके बाद इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद सर से कि वो एडीजीपी सर को बुके। थैंक यू सर। एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद सर और मुझे शहरी हैं, मैं आप सबका जम्मू जोन एसटीएम डीआईजी जेएसके रेंज एंड एसटीएम एसएसपी जम्मू है, इसका रिफर्मेटिव भी है, नेचर भी है जो मुलजिम के को सुधार के लिए भी यूज होगा। सुधार की अगर हम बात करें, जैसे छोटे छोटे ऑफेंसेस होते थे जो फाइन वगैरह होता था, लेकिन आप क्या होगा ऐसे छोटे छोटे 6 पैटी ऑफेंसेस हैं उनमें क्या होगा कम्युनिटी सर्विसिंग का कॉन्सेप्ट। आजकल के बच्चों का ऐसा नेचर है जब तक उनको सोसाइटी में थप्पड़ ना पड़े वो नहीं सुधरेंगे, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है कि उनसे आप सोसाइटी के काम कराओगे कि तू चौराहा साफ कर, तुम मंदिरों की सफाई। और यहाँ पे एक चीज और है, जैसे सर अभी आपने बताया वुमेन्स के रिलेटेड जो क्राइम होते थे, मैंने अपने पंचायत और प्लस अपने मड ब्लॉक में वुमेन हेल्पलाइन के तहत 181 के तहत बड़े केस रजिस्टर करवाए, क्योंकि सर उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कुछ लेडीज ऐसी हैं नहीं आना चाहती पुलिस स्टेशन ड्यू टू एनी रीजन, कोई उनका घर का इशू होगा, उनके कोई इमोशंस होंगे, वो नहीं आना चाहती हैं। जैसे अभी एक पुलिस ऑफिसर हमें बता रहे हैं कि वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। आप आ जाएं। ये लेक्चरर है सर दुमाना हाई सेकेंडरी स्कूल में सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमन सिंह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने बड़ी हेल्प की है हमारी दुमाना सब डिवीजन के लिए जगह देने में। थैंक यू सर। मैं अभी एडीजीपी जम्मू जोन रूरल एसडीपीओ दुमाना एसएचओ साहिबान और यहां पर आए हुए मोजिज नागरिक इस एरिया के और हमारे मीडिया बंधु, ये आज ऐतिहासिक दिन है, न कि स्वतंत्रता के बाद बल्कि 1872 के बाद जब ये कानून वानून बने थे उसके बाद पहली बार, इस बीच में कई बार इसमें सुझाव, इसमें अमेंडमेंट, इसमें निकालना जोड़ना घटाना बढ़ाना चला, लेकिन अब आपके सामने पूरी तरह से तीनों कानून नए तौर पर सरकार ने लागू किए हैं और पिछली रात से लागू हो गए हैं और बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं, मैं चंद बातें आपको बताना चाहूँगा जो अभी तक किसी वक्ता ने। पहले मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा कारित हिंसा को 302 304 ऐसे हमें लेना पड़ता था क्योंकि धारा ही नहीं थी, अब धारा है उसमें, अगर 10-20 लोग मिल करके किसी जात पात धर्म किसी बात के आधार पर किसी का कत्ल कर देते हैं मार देते हैं तो वो एक अलग सेक्शन है और उसमें 10 साल तक की सजा है। पहले ये इसको ये वकील या डिफेंस लॉयर कहता था साहब जोश में हो गया ये तो 304 है 3 साल की सजा है, 304 में 5 साल की सजा है, तो ये चीज़ें आपको जानने के लिए है कि इसी तरह से जो बयान है आज की डेट में वो ऑडियो वीडियो कंपलसरी हो गया है। आपकी सबसे बड़ी जो शिकायत होती थी कि साहब आईओ साहब ने लिखा कुछ, हमसे अंगूठा लगवा लिया, हमसे कागज लिखवा लिया और हमसे साइन करवा लिया, उसका ऑडियो वीडियो भी कोर्ट में सबमिट करना है, तो उससे क्या होगा कि आईओ की भी जवाबदेही है और जो बयान आप दे रहे हैं आपकी भी जवाबदेही है, आप वही बोल के उसको ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे सुझाव इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब आज की डेट में मान्य किया गया है, पहले ये प्राइमरी एविडेंस नहीं था, प्राइमरी एविडेंस पहले गवाह बयान और जो कोर्ट के कागज एफएसएल रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राइमरी एविडेंस गिने जाते थे, वीडियो फुटेज मोबाइल की फुटेज ये सब गिनी नहीं जाती थी, ये सहायक माना जाता था, आज की डेट में उसको प्राइमरी माना जाएगा। मैं अगली बात के तौर पर ये भी बताना चाहूंगा आज यहाँ पर, पहले एनडीपीएस और आतंकवादी मामलों में ही संपत्ति की जब्ती थी,
यानी प्रॉपर्टी सीज हो सकती थी केवल दो मामलों में, चिट्टा का अगर अफोर्ड कर तो उसका घर सीज कर लेते थे हम, आतंकवाद में घुसा है, मिलिटेंसी में घुसा है तो सरकार घर सीज करती थी। अब इस कानून ने ताकत दी है कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम, हम चार पांच साल से जो है गाड़ियां चोरी कर रहे हैं, हमने 50 गाड़ियां पिछले 5 साल में चोरी करी, एक बिल्डिंग बनाई है सरकार, उसको भी अब हम प्रूफ करेंगे अगर कि नहीं साहब इसका काम ही यही है केवल चोरी करना, इसका काम ही यही है माफियागिरी करना इसका, और ये इसके ऊपर 5 FIR है, इस पर 10 FIR है जनाब, इसकी जो है इसने ये घर बनाया, ये कोठी बनाई, ये सब सरकार आपका जो है उस क्रिमिनल की सीज कर सकती है। इस तरह से बहुत सारे जनता को न्याय देने वाले कानून आज की डेट में लागू हुए हैं। इसका महत्व आप जैसे आप अभी आप सुनते 1800 का कानून अभी तक चल रहा था, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी क्या उन 2024 में साहब कानून लाया था, तो श्रेय किसको जाएगा? हमारी आपकी पीढ़ी जो आज आप सामने हम बैठे हुए हमको ये इसका श्रेय जाएगा कि उस समय के जो बुजुर्ग थे उनके समय में ये कानून आया गया। और इस कानून को लाने का मकसद है, आप खुद देख रहे हैं पिछले 15 साल में जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, पहले ये था ही नहीं, ये तो अभी 10-15 साल में आया है, और इससे संबंधित अपराध किसी भी किताब में नहीं थे। बहुत सारे नाम आपने नहीं सुने होंगे, फिजिक, फिजिक क्या है किसी को नहीं पता, एक तरह से इसको ये समझे कि आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक चला गया, आपकी फोटो माफ हो गई, तरह तरह के साइबर क्राइम है जो कहीं किसी धारा में नहीं थे कि इनको सजा क्या दी जाए। हम एक जनरल धारा 400 BC। श्री ब्रजेश SP रूरल, SSP जम्मू श्री विनोद, SDPO डोमाना, SHO डोमाना और डोमाना के क्षेत्र से सभी आए मेरे सभी भाई, सभी दूर दराज से जितने गांव से लोग आए हैं, बहुत ही कम समय में आप लोगों ने शिरकत की, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जिसमें कि एक हमारी कार्य प्रणाली में, हमारे कार्य करने के तरीकेकार में उसमें बहुत हद तक बहुत तब्दीली आई, क्योंकि आज से 3 नए कानून हमारे लागू हो गए हैं और इन 3 कानूनों में काफ़ी हद तक बहुत ही अहम बदलाव किए गए हैं। उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है वो एक दंड से लेकर एक न्याय की तरफ ले जाता है। जो अंग्रेजी कानून था उसमें जो प्रावधान थे वो दंड तक ले जाते थे, उनकी जो एक स्पिरिट थी, उनकी जो एक भावना थी वो है दंड की थी, लेकिन यहाँ पर एक न्याय की उसमें एक जो भावना है वो समाहित है, और ये सारे कानून न्याय के लिए हैं, विक्टिम सेंट्रिक है और न्याय के लिए। दूसरा बदलाव ये आया है कि इसमें जो एक सुरक्षा की भावना की गई है, जैसे आप देखेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो सुरक्षा का एक शब्द जो इसमें जोड़ा गया है वो ये है, इंडिकेट करता है कि पूरी सोसाइटी को एक सुरक्षा देने के लिए ये सारे कानून लागू किए गए हैं। तीसरा सबसे अहम बदलाव इसमें ये है, जैसे हमारे एक सरपंच ने भी बताया कि कम्युनिटी सर्विस का, तो अब जो से हमारे पेटी क्राइम्स हैं उनमें एक जो कम्युनिटी सर्विस का एलिमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उससे क्या होगा कि जो छोटे हमारे पास में ऑफेंसेस हैं उनके तहत जो कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किए गए हैं, उससे समाज में ये भी पता लगेगा कि हम जो है सामाजिक कार्य भी करें, कि हमने एक छोटी चोरी की है और बाकी हम छोटे से किसी जुर्म में मुलविज हैं, तो हमारे लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान भी रखा गया, सम्मिलित होगा। चौथा अगर मैं कहूँ तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया है जो कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर, मैं इसमें शब्द इस्तेमाल करूँगा उनके अधिकार, उनके लिए न्याय और उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, ये एक बड़ा हद तक बहुत हद तक बड़ा बदलाव है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो 7 दिन के भीतर हमें मेडिकल रिपोर्ट ऑस्को केसेस में आ जाना चाहिए, जो जराइम जो वुमेन और बच्चों के खिलाफ किए गए हैं उनमें 7 दिन में हमें मेडिकल रिपोर्ट आनी है, तो इसके प्रावधान में रखे गए हैं ताकि वो जो है आपके इन्वेस्टिगेशन में जो मददगार रिपोर्ट है वो हमें 7 दिन के अंदर मुहैया करेंगे। तो 7 दिन में चूँकि रिपोर्ट आ जाएगी तो हम बाध्य हैं कि 2 माह में हम उसका चालान पेश कर सकें, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सकें। पांचवा एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव ये आया है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके तहत भी
उसके उसको डिफाइन करते हुए भी उसके लिए प्रावधान रखे गए हैं। जैसे डीआईजी साहब ने बताया कि उसमें प्रॉपर्टी के फोरफीचर के, प्रॉपर्टी सीजर के भी उसमें कानून में बदलाव किए गए हैं, जो हमें शक्तियां प्रदान करते हैं कि हम ऐसे जराइम से जो प्रॉपर्टियां बढ़ाई गई हैं, बनाई गई हैं, उनको हम लोग जब्त कर सकें। एक मैसेज भी इसमें बड़ा क्लियर है कि जो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसको रोकने के लिए सभी तरह के जो ताकत का इस्तेमाल है वो कानून कर सकता है। जैसे आपके जो एविडेंस की रिकॉर्डिंग है वो हमें ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करनी है। जो सर्च हम कर रहे हैं उसकी हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो इससे बहुत हद तक पारदर्शिता भी आएगी हमारे कार्य में। तो ये एक बड़ा ही अहम बदलाव है, जिसमें कि ये जो आपके जो हमारे सर्च के दौरान जो हमने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, जो हमने मौके पर जाकर जहाँ पर ये क्राइम सीन है, जहाँ पर ये जराइम हुआ है, वहाँ पर जाकर हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी, तो वो काफ़ी हद तक हमें ये भी मदद करेगा ताकि वो अगर 5 साल के बाद भी वो केस समीक्षा में आता है तो हमें ये पता रहेगा कि इसमें क्या क्या हुआ है। लिहाजा इसमें जो बदलाव है, जैसे एक हमारे FIR को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत ये रहती है कि FIR जो है डोमाना थाने में नहीं लगेगी, जबकि जुर्म कहीं गांधीनगर थाने में हुआ, तो अब उसमें 0 FIR का संदर्भ भी आ गया। तो आप अपनी FIR अब स्वतंत्र हैं कि आप किसी भी थाने में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और वो FIR जो है उसके बाद वो कंसर्न थाने को भेज दीजिए। तो ये आपको बहुत सहूलियत होगी, आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने लोकल थाने में ही FIR रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कहीं जुर्म हुआ है और आप नहीं जा पाए उस थाने में, तो आपको ये भी सुविधा रजिस्टर होगी।